Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं हूं मेहताब और आप देख रहे हैं टेक यूज़। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से अपने कंप्यूटर में विंडोज़ 10 की जो ओरिजिनल ISO फाइल्स होती हैं या USB फाइल्स जो हम USB में डाउनलोड करते हैं उनको किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं बग़ैर किसी अनवांटेड अपडेट्स के, जो कि अक्सर हमें वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए मिल जाती हैं। हम जब भी किसी वेबसाइट पर विंडोज़ की फाइल्स को डाउनलोड करने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत से फ्रेमवर्क्स या सॉफ्टवेयर उसमें इंक्लूडेड होते हैं जो कि हमें बाद में बहुत ही परेशान करते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से उसकी जेन्युइन फाइल्स को, विंडोज़ 10 की जेन्युइन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं बग़ैर किसी अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने विंडोज़ 10 इंसाइडर प्रीव्यू लिखना है गूगल में जाकर, तो उनकी सबसे पहले एक वेबसाइट ओपन होगी, वहीं पर आपने क्लिक करना है, उसे ओपन कर देना है। उसके बाद ये ओपन हो जाएगी वेबसाइट जो हमने डाउनलोडिंग के लिए ओपन की थी। यहाँ पर आपने साइन इन करना होगा सबसे पहले हॉटमेल या लिब की मेल के थ्रू जो कि माइक्रोसॉफ्ट वाले एक्सेस करते हैं। मैंने यहाँ पर साइन इन कर दिया है। उसके बाद हम इस पेज के नीचे की तरफ जाएंगे जहाँ पर हमें अपडेट्स वगैरह मिलेंगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप विंडोज़ अपडेट और मोबाइल विंडोज़ अपडेट्स, ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर है। अगर आप विंडोज़ लैपटॉप के लिए या PC के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और मोबाइल के लिए भी। यहाँ पर हमने क्लिक करना होगा और यहाँ पर ऐप टूल पर भी क्लिक करना होगा ताकि हमें उनका बैकअप मिल सके जिसमें हमारी सारी फाइल्स जो होंगी वो डाउनलोड होंगी। यहाँ पर क्लिक करें और ये सेव हो जाएगी, ये सेव हो गया है बैकअप। अब इसे ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह मिलेंगी जहाँ जैसे कि कौन सा PC है, कौन सी अपडेट वगैरह चाहिए आपको, वो सारी चीज़ें हैं। ये कुछ देर लेगा इस सेटअप में क्योंकि ये ऑनलाइन वर्जन होगा, ऑफलाइन वर्जन नहीं है। ये लाइसेंस वगैरह के एग्रीमेंट है, आपने क्लिक कर देना है। और ये अब जो है आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट को चेक करेगा कि कौन सी सिस्टम आपकी चल रही है। ये देखें, ये इसने सिस्टम को चेक किया है और ये इसने आइडेंटिफाई किया है कि ये सिस्टम रनिंग में है। मेरा 64-bit है, नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम 64-bit पे रनिंग है। ऊपर की तरफ भी ये ऑप्शन दिए गए हैं सिस्टम की तरफ से। ऊपर वालों को कोई भी छेड़खानी नहीं करनी वरना ये सही से डाउनलोड नहीं होगी। इसे 64 और इसे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। अब ये USB और ISO के बारे में पूछेगा कि कौन सी आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैं इसे ISO कर दूंगा ताकि मैं आइंदा भी इसे काम में ले सकूं, और इसे नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद जो है ये आपको लोकेशन पूछेगा कि कौन सी जगह पर आप सेव करना चाहेंगे फाइल्स को। यहाँ पर ये कुछ देर लेगा जिसमें आपको वेट करना होगा, ये फाइल्स को अरेंज करेगा ऑनलाइन। मेरी वीडियोस को यूं ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और पसंद करते रहिए। ये सेटअप जो है फाइनली ये शुरू हो गया है। ये कुछ देर लेगा, तकरीबन 1 घंटा, आपकी इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है इसकी ISO फाइल को डाउनलोड होने में। यूं ही मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करिए और पसंद करते रहिए। मैं आइंदा भी और वीडियोस लाता रहूँगा। खुदा हाफिज़।